नमस्कार, गुड इवनिंग। इस अभूतपूर्व किसान आंदोलन का आज 20वां दिन और यहाँ दक्षिण में मोर्चा लगाने का, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे मोर्चा लगाए रखने का हमारा तीसरा दिन। आज की इस रिपोर्ट, और हर दिन की तरह रिपोर्ट दूंगा, क्या यहाँ चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, आंदोलन में क्या चल रहा है और हमारे इस मोर्चे में क्या चल रहा है, और आपको थोड़ा छवियां दिखाऊंगा। ये कहते हैं ना, विदेशी धन से चल रहा है, विदेशी फंडिंग है, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा आपको छवियां भी दिखाऊंगा ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि आप यहाँ हैं। लेकिन शुरुआत एक कविता से, कविता हमारे मित्र और मेरे प्रिय कवियों में से एक राजेंद्र राजन जी ने लिखी है हाल ही में इसी किसान आंदोलन पे। कविता का नाम है यह ऐसा निजाम है, इस शीर्षक की कविता है राजेंद्र राजन जी की। वे तुम्हारे खेतों में अपने मुनाफे की फसल उगाना चाहते हैं। वे तुम्हारे खेतों में अपने मुनाफे की फसल उगाना चाहते हैं। वे तुम्हारी मेहनत को लूटना चाहते हैं। वे तुम्हारे हाथों को बंधक बनाना चाहते हैं। वे तुम्हारे दिमागों को गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि तुम उनके हर निर्णय को बिना सोचे विचारे कबूल कर। वे तुम्हें ऐसी अंधभक्ति सिखाना चाहते हैं कि वे चाहे जितने गुनाह करें, चाहे जितनी साजिशें रचें, तुम उनकी जय जयकार करो। लोकतंत्र के मलबे पर खड़ा यह नया निजाम, लोकतंत्र के मलबे पर खड़ा यह नया निजाम है जिसने सच और झूठ के फर्क को मिटा दिया है, जिसने लफ्जों के मायने बदल दिए हैं। तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर कहा जा रहा है कि तुम्हारी राह पहले से आसान हो गई। कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा अवसर, ज्यादा विकल्प हैं। तुम्हारे हाथ में एक धोखा थमाकर कहा जा रहा है, लो यह रही तुम्हारी सौगात। बिगाड़ को वो कह रहे हैं सुधार, दुर्दिन को वो कह रहे हैं अच्छे दिन। दुष्प्रचार और दमन है उसके हथियार। यह ऐसा निजाम है जो गरीबों पर रोज गुर्राता है पर थैली शाहों के आगे दुम हिलाता है। ये ऐसा निजाम है जो गरीबों पर हर रोज गुर्राता है मगर थैली शाहों के आगे दुम हिलाता है। आखिरी दो पंक्तियां देखिए, इस निजाम से लड़ना आसान नहीं पर इससे जरूरी कोई काम नहीं। इस निजाम से लड़ना आसान नहीं पर इससे जरूरी कोई काम। ये बात कहते हुए देश के लाखों किसान आज खड़े हैं और उनमें से कुछ किसानों की टुकड़ी के साथ हम यहाँ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज सुबह जब बातचीत की थी तो मैंने इस पूरे आयोजन के एक छोर से बताया था, जो मंच वाला छोर। अब मैं आपको बिल्कुल दूसरे छोर से लेके जाता हूँ और ये है सीकर से आए हुए किसान। देखिए, अपना खाना खुद बना रहे हैं, पता नहीं आपको कितना साफ ये तस्वीरें दिख रही होंगी। अपना आटा अपने साथ लेके आए हैं, अपनी गैस अपने साथ लेके आए हैं, अपना चूल्हा अपने साथ लेके आए हैं और कोई इनके लिए प्रोफेशनल कुक नहीं बना रहा, खुद किसान अपनी रोटी बना रहे हैं, खुद बैठ के खा रहे हैं। ये सीकर के साथी हैं किसान सभा के। मैंने सुबह भी आपको बताया था, सीकर में अमरा राम जी के नेतृत्व में किसानों ने एक शानदार ऐतिहासिक संघर्ष किया। उस संघर्ष से उन्होंने सीखा कि आत्मनिर्भर, या आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आत्मनिर्भरता ये है, ये आप आगे देखिए। सब अपनी तैयारी करके आए हैं और ये दिखा रहे हैं कैसे किया जाता है। और ये सब लोग जो कहते हैं ना, भाई साहब ये कहते हैं कि विदेशी फंड से चल रहा है। मैंने कहा दिखा दो भैया विदेशी फंड की है। ये किसान के खून पसीने की मेहनत के फंड से चल रहा है, मैं दिखाना चाह रहा था। जी जी जी, एक मिनट, मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ। आप भी आइए, कहाँ से आए? नमस्कार नमस्कार, ये फेसबुक लाइव चल रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। मैं जरा दर्शकों को दिखा रहा था, सुबह भी मैंने आज किया था और बता रहा था कि देखिए क्या स्थिति है। तो ये सीकर के किसान कहाँ रह रहे हैं, देखिए इन्होंने यहाँ एक होटल है, गुरु जी का होटल, और होटल वाले ने भी अपना दिल खोल दिया, कहा कि ठीक है आप यहाँ पे लेट जाओ ना। तो यहाँ पे होटल में जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है वहां पे इन्होंने अपना गद्दे लगा लिए हैं। आज हमारे सीकर के किसानों की यहाँ भी थे और किसानों के जन नेता अमरा राम वो भी यहीं पे इन सबके साथ ही बिता। अमरा राम जी उधर है, खाने के लिए इधर यहीं पे बैठ।
तो मैं आपको थोड़ा सा और नजारा दिखाता हूँ कि आज क्या कुछ है। जैसे मैंने कहा, आज मैं आपको दूसरे छोर से दिखा रहा हूँ। तो मैं एक छोर से दिखाया था, आज दूसरे छोर से गुरु जी का होटल है जिसमें इन्होंने अपना दिल खोल दिया है। इस होटल ने भी, होटल मतलब ढाबा है, इस ढाबे ने भी अपना दिल खोल दिया है। दूसरे वाले ढाबे ने भी अपना है जी, अपना ढाबा है भाई, ढाबा है, उन्होंने खोल दिया इनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पूरे समाज ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को समर्थन करना शुरू कर दिया है। मैंने सुबह बताया भाई साहब गाजर दे गए, उसके बाद वो आए कहते मेरे खेत में बैंगन लगे हुए, बताऊं बोलते हैं हमारे इधर तो बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन ले जाओ, तो उठा के बैंगन दे गए, तुम ले जाओ। एक भाई ने कहा भाई मैं तो दूध दे सकता हूँ, छाए दे सकता हूँ, छाए हमारे यहाँ जिसको छाछ बोलते हैं उसको हमारे इधर छाए बोलते हैं, तो दूध छाए ये हम आपको दे सकते हैं। इस तरह से इसमें अब स्थानीय जनता जुड़नी शुरू हो रही है। ये है यहाँ, हम जैसा मैंने बताया एक छोर पे आ गए हैं। इसके पीछे भी कई ट्रक और बसें वगैरह खड़ी हैं, लेकिन आपको उधर नहीं ले जाऊंगा, उधर लोग ठहर नहीं रहे। यहाँ से लोगों ने ठहरना शुरू किया है, वो वाला छोर मैं आपको तेजी से आ सकते हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे पीछे पत्थर है, बहुत उबड़ खाबड़ सड़क है हमारे काम। यहाँ से शुरू हो जाते हैं लोगों के तंबू, टेंट, अंधेरा है, कुछ कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ से ये देखिए शुरू हो गया है, टेंट लग गया है, और ये यहाँ पे नजदीक के गुरुद्वारे से कार सेवा करते हुए कुछ सामान लाया गया है, खाने का सामान है, ये देखिए कुछ आटे बोरी वगैरह आ गई है। कितों आए कोटा राजस्थान जी, राजस्थान में केवल सिख देके ये मत समझिए कि पंजाब से, राजस्थान का कोटा जो इलाका बिल्कुल दक्षिण राजस्थान में है, कोटा बहुत बड़ा इलाका है, वहां से आए हैं लेके क्या आटा बड़े खाने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था कर दी, ये जो लंगर की सेवा है इससे चलेगा। बहुत बढ़िया, सत श्रीकाल, सत श्रीकाल। मैं सब दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि भाई क्या कुछ है, ये देखिए यहाँ से लंगर की सेवा हो रहा है। क्या है, चावल, चावल, चावल। अच्छा बन गया आज का खाना, बन गया, बन गया। वो कहाँ से बना के लाए, वहीं से बना के लाए, दिल्ली गए थे हम, पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे, वहां से आए। जी जी, दिल्ली से वापस इसी बॉर्डर पर आ रहे हैं। अच्छा देखिए ये जो कह रहे हैं ना विदेशी फंड वाले, देख लीजिए विदेशी फंड क्या है, आपको मैं इसकी कहानियां सारी की बताता रहूं। गंगानगर की टुकड़ी है, गंगानगर सर, सर सर मैं बता रहा हूँ, ये गंगानगर देख लेंगे, ये गंगा नगर जब मैं वहां रहा बचपन में तो हमने था कहना गाँव का नाम ऐसा हो सकता है 4CC जी, 3GG, ये यहाँ के गांव के नाम होते हैं। गंगानगर, गंगानगर जिले करणपुर तहसील से आए, बिल्कुल पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर के सारे इलाके रुकेंगे नहीं, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे घड़साना से, घड़साना के साथ ये गंगानगर का घड़साना, जिसका मैंने सुबह भी आपको बताया था कि यहाँ बहुत अच्छा आंदोलन हुआ था, उसके साथ ही उनका खाना चल रहा था। जरा अंदर से आके दिखाते हुए चले जाइए, ये हमारे सब घड़साना के साथी हैं। देखिए खुद यहाँ पे लंगर चल रहा है, खाना चल रहा है, बन रहा है, खा रहे हैं।
और कोई कोई प्रोफेशनल कुक नहीं है, खुद अपने किसान साथी हैं, संगठन के साथी हैं, खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। इसी से चलेगा जी किसान आंदोलन। जो तमाम प्रचार चल रहे हैं ना कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कर रहे हैं, देखिए इस तरह से चल रहा है किसान आंदोलन। मैं चाहता था हम देखे तो एक जगह नहीं, एक जगह दो जगह लंगर नहीं है, जगह जगह पे लंगर चल रहा है, लोग अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। आज की एक दो खबर आपको मैं और दे दूं। आज की खबर ये है भाई साहब, क्या आप जरा पकड़ सकते हैं इनका टॉर्च, ताकि आइए पकड़ दो ताकि इनको सुविधा हो सके जी। देखिए हम अपने एमेच्योर तरीके से कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं। आज की दो चार समाचार आपको और दे दूं। आज फैसला हुआ है कि 20 तारीख को इस आंदोलन में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए 20 तारीख को सुबह 11 से 1 बजे के बीच स्मृति सभा, अपने अपने तरीके से जिस तरीके से लोग स्मृति सभा करना चाहें वो लोग अपनी स्मृति सभा करेंगे, उसका फैसला हुआ है पूरे देश भर में 20 तारीख को 11 से 1 बजे। ये हमारे गंगानगर के साथी हैं और उनके नेता रंजीत राजू जी, जी हमारे सब साथियों को इस पे फेसबुक लाइव करके बता रहे हैं। गंगानगर किसान समिति है, ग्रामीण किसान मजदूर समिति, ग्रामीण किसान मजदूर समिति, जीकेएस। मैं जी का मतलब गंगानगर समझता था। आइए जी, तो उनके नेता हमारे साथ हैं। ये किसानों ने अपना इन चीजों को अभी ठक रखा है। यहाँ पे देखिए, अब आपको ट्रॉली भी दिखा दे, ट्रॉली के अंदर कैसी तैयारी करनी है, ट्रॉली को कवर किया हुआ हमारे साथियों ने। यहाँ पे अंदर सोने की तैयारी है, लेटे भी हुए हैं, कुछ साथी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए ये अरेंजमेंट है जो करके हमारे साथी आए हैं। ये भी गंगानगर जिले से ही है, जैत सर जी, जैत सर, गंगानगर में जैत सर तहसील है, वहां से आए, उप तहसील कौन सी, रायसिंह नगर, ये सब गंगानगर जिले से। गंगानगर जैसे मैंने कहा मेरे बचपन का जिला है और अद्भुत जिला है जी, बहुत ऊर्जा है, बहुत यहाँ का किसान हिम्मत वाला किसान है, बलवान है, दोनों मायने। देखिए यहाँ एक और छोटा सा लंगर चलता है, देखते जाइए कितनी जगह पे लंगर चलता है। ये है पिंड संतपुरा, राजस्थान, संगरिया, ये भी गंगानगर का इलाका है। संगरिया जो है वहां से राजस्थान, पंजाबी समझ के ये मत समझ जाइए पंजाब से आए, राजस्थान से आए। यहाँ पे इनका अपना लंगर चल रहा है इस वक्त, हमें भी आगे जाके लंगर करना है, लेकिन आगे करेंगे। आइए जी, दिखा रहा हूँ जी, मीडिया में चल रहा है ना विदेशी फंडिंग कहाँ से चल रहा है, मैं दिखाई देते राम सिंहपुर से अभी है, लंगर लेके हमारा घोड़ा भी पीछे है, उसको जुबान खुल रहा है, पर मैं ट्रेन में फंस गया, कुछ आदमी फंस गए, आ जाएंगे वो भी, सब आएंगे जी, सब आएंगे, देखते जाओ आते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा, एकदम बढ़ रहा है। जगह जगह से किसान आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपना सोने की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर है, यहाँ पे एक और ट्रैक्टर, ये सब कवर्ड, जैसा आपने महासिंघु बॉर्डर की तस्वीरें देखी होंगी, कवर्ड ट्रॉलीज। ये हनुमानगढ़, ये राजस्थान का एक दूसरा इलाका है, हनुमानगढ़ गंगानगर के बिल्कुल साथ लगा हुआ इलाका है, वहां से किसान आ रहे हैं। उन किसानों ने अपनी ट्रॉली ऊपर से कवर की हुई है, ये सब पंजाब स्टाइल में तैयारी करते हैं। यहाँ एक और लंगर चल रहा है, देखिए कितनी जगह पे छोटे छोटे लंगर चल रहे हैं, लंगर नहीं साहब, यहाँ पे सिर्फ आज ताप रहे हैं। कितो है हनुमानगढ़, तो केड़ी तहसील, जिला और तहसील हनुमानगढ़ से ही आए हमारे साथी। ये पहले एक जमाने में गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही जिला हुआ करता था, अब दोनों अलग अलग जिले हो गए। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज दिखाना चाहता था, और वहाँ टीवी के पत्रकार आए हुए हैं तो थोड़ा सा हमें लाइट भी अच्छी मिल जाएगी उस बहाने। ज्यादातर किसानों ने यहाँ एक दूसरा तरीका अपनाया, ये देखिए जो टेंट, शायद हम थोड़ा सा उधर जाके इनको दिखाते हैं कि
किस तरह के टेंट्स में रह रहे हैं, ये बिल्कुल नया तरीका, ये सिंगू बॉर्डर में आपको दिखाई नहीं देगा। भाई साहब आपके पास लाइट है, एक मिनट के लिए हमारे को लाइट दे दीजिए। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? ये देखिए, ये जो टेंट चल रहा है, चल रहा है, ये देखिए उधर, आप वो वाला टेंट जरा दिखा देंगे, वो वाला टेंट ये देखिए, ये सिर्फ कुछ नहीं है, इसके अंदर चार बांस है और ऊपर ये वाला टारपोलिन कह लीजिए, उससे बस इसको बांध दिया गया। सिर्फ इसके अंदर हमारे साथियों ने सोचा कि ये सब कुछ मिला के कहीं टेंट लगवाएंगे, खर्चा होगा, किराया होगा, उस सब से बचते हुए कोई 2200-2400 रुपए में ये खड़ा हो जाए, तो उन्होंने कहा इतना कर देते हैं, सस्ता काम है, इतने में ही किसान गुजारा कर लेगा, इसके अंदर टिकने को तैयार है। ऐसे कई जगह पे लगाए, बहुत बढ़िया भाई। कहाँ से आए हो आप? तारानगर से। तारानगर से, चूरू, चूरू, राजस्थान, चूरू तारानगर से आए। देखिए अंदर सब कुछ सेटिंग किया हुआ है, इसके अंदर ठीक कई जगह पे लगाए। ये नया प्रयोग है, ये वहां पे आपको सिंगू बॉर्डर पे नहीं दिखाई देगा, ये आपको टिकरी बॉर्डर पे भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जैसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो बस आवश्यकता हुई तो उसके बाद ये सब कुछ कर लिया। यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे ये, और ये राजगढ़ जिला चूरू से आए हुए हैं भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसमें मैंने बताया, जिसने सीकर में भी बहुत बड़ा, यहाँ से लेके आगे तक सब जगह पे किसानों ने अपने अपने तंबू लगा रखे हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी सीरीज लगी हुई है, किसानों ने अपने तंबू लगाए हुए हैं। यही नहीं, इन्होंने अपने, हमारे साथियों ने अपने वाहनों का फायदा उठाते हुए ऐसा कर रखा है कि वाहनों के ऊपर से सिर्फ तारपोलिन लगा दी है, ताकि उससे भी एक जगह बन जाए। यहाँ सभी लोग, क्योंकि डिस्टेंसेस इतने ज्यादा है, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं आ सके, जीप पे आए हैं, छोटे छोटे वाहन करके आए हैं, कईयों के वाहन वापस चले गए हैं, इसलिए वो बस अपने तरीके से कर रहे हैं। देखिए सब लोग अब बैठ के चुपचाप से आग जला के बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं। ये सब आपको यहाँ पे, वो सब भी नहीं बनाया, बस सिर्फ दो गाड़ियों के ऊपर इसको फैला दिया है और उसके जरिए किया जा रहा है। दो गाड़ियां है, जरा बताइए कहाँ से है? सीकर से, देखिए सीकर के साथ ही है, लाइव में जोड़ना चाहेंगे जी, पर ये चलता रहेगा, इसको मैं रोकूंगा, आप जहां भी मर्जी रोक कर लीजिए इस लाइव। तो ये सीकर से साथी है, देखिए किस तरह से आपने सामने भी कर लिया, बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल मैं जानता हूँ, कह रहा हूँ उसके साथ, आपकी स्थिति हमारे से अच्छी है आज। ट्रॉलिया है जिसको बीच में कई जगह पे होता है ये, जैसे मैंने कल दिखाया था, ये आज सुबह का भी जो दिखाया था, ये गुजरात के साथ ही यहाँ पे ठहरे हुए हैं, यही पे कल रात को हम भी ठहरे थे, और अभी इसकी फुल प्रूफिंग शायद नहीं हो पाई है, इसमें तो ऊपर डला है, नहीं डला क्या अभी भी शायद बोस होगी, तो पानी गिरने की है, और मेरे मन में चिंता है कि गुजरात के साथियों को इतनी सर्दी झेलने की, गुजरात के साथियों का सर्दी में कैसे होगा, उसकी मेरे मन में अभी भी चिंता है। अभी आगे होंगे इधर आते हुए, और ये है हमारा सुबह वाला जो मैंने बताया था, दूसरा लंगर, ये बड़ा गड़ताना वाला जो लंगर चल रहा है, जहाँ ज्यादातर बाकी लोग बैठ के खाना खाते हैं, उसको हम देख सकते हैं ध्यान से। और यहाँ अपने तरह से लोग इसकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता था, अभी यहाँ हमारे गुड़गांव से एक साथी आए, वो कहते हैं गुड़गांव से, सर अभी आए, सर महिला आई थी, वो किसानों के लिए कुछ लेके आई थी अपनी, नहीं, गुड़गांव से एक महिला आई थी जो कि किसानों के लिए कुछ अपनी तरफ से स्नैक्स वगैरह लेके आई। दीपक भाई कहाँ पे खड़े हैं? दीपक भाई, अच्छा, वो चलेंगे, क्या लेके आई? वो उन्होंने दिन में दो बार चाय नाश्ते का प्रबंध किया है, कल से वो 11 बजे और 4 बजे समोसा स्नैक्स विद टी फार्मर्स को देना क्या उन्होंने शुरू कर दिया है, आज शाम उनको अभी करते गए। क्या बात, क्या बात, बयान एक प्रधानमंत्री का आया,
तो ये स्थिति क्या, तो ये पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा, इसे प्रधानमंत्री के बयान के बयान के बारे में, इसके बारे में भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं एकदम सहमत हूँ प्रधानमंत्री से, 100% सही बात कह रहे हैं, बहुत दिन बाद सच बोला है कि एकदम किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बोलते बोलते यहाँ थोड़ा सा अर्ध सत्य हो गया, गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके बीजेपी के चमचे कर रहे हैं, उनका गोदी मीडिया कर रहा है, ये किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक किसान नेताओं को आविष्कार किया जा रहा है, जिस किसान नेता का नाम देश के किसी पत्रकार ने नहीं सुना, जिसको उसका पड़ोसी नहीं जानता, उसको किसान नेता बना के कृषि मंत्री से मिलवाया जा रहा है, ये सब खेल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये क्या समझौते के लिए हो रहा है कि आपका पक्ष समझौता नहीं कर रहा है, दूसरे किसान का एक पक्ष है वो भी समझौता कर रहे हैं कि ठीक है हम कानून पर संशोधन के लिए तैयार। पुरानी तिकड़म होती है कि अगर कोई आंदोलन में अगर आंदोलनकारी अडिग हो तो उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, ना टूटे तो कहीं से कोई दूसरे आंदोलनकारी अपने खड़े कर दो, उनके साथ बातचीत करो। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू तब ये अंदाजन 400-450 संगठनों ने कॉल दिया संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से, और अब तक उन 400-450 में से एक भी संगठन टूटा नहीं है, एक भी संगठन ने अलग जाके सरकार से बात नहीं की है। अब क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो सरकार ढूंढ रही है किसान नेता। आपको भी प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे हैं या आपकी सुन नहीं रहे हैं या ऐसा लगता है कि वो इस बात पर अड़िग है, क्योंकि लगातार उनका बयान ये आया कि अब उन्होंने कहा था दिल्ली के आसपास कुछ किसानों को बरगला रहे हैं, आपने कहा कि नहीं सरकार बरगला रही। अडिग नहीं, इसके लिए शब्द होता है अड़े हुए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने किसान को गिफ्ट दिया, किसान की क्या मजाल की मानता नहीं, चल मैं रियायत कर देता हूँ। पहली बार जिंदगी में आप सुन रहे हो कि मैं गिफ्ट में रियायत कर देता हूँ। अरे भाई, गिफ्ट में कैसी रियायत, सजा में रियायत होती है, गिफ्ट में क्या रियायत है? जिसका मतलब है कि या तो गिफ्ट ही नहीं सजा थी, या कि ये गिफ्ट किसी और के लिए थी, किसान के लिए नहीं। ये जो गिफ्ट है आपको लगता है कि इसमें कोई भी भला नहीं किसान का? ये जो गिफ्ट है ये कुल मिला के किसान के लिए है ही नहीं, ये हम दो, हमारे दो वाली सरकार, हम दो मतलब मोदी जी और शाह, और हमारे दो मतलब अंबानी और अडानी। ये गिफ्ट अंबानी और अडानी के लिए था, इसको हरे रंग के कागज में लपेट दिया गया ताकि दिखे कि ये किसानों के लिए, किसान ने हरा कागज फाड़ के देख लिया अंदर क्या था, तो इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए बर्बादी है, किसानों को पता लग गया है। और किसान कह रहे हैं जी ये वाला गिफ्ट मत दो मेरे को, जो मुझे चाहिए मैं अपने मुंह से बता रहा हूं ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे आप मेरी फसल के दाम की गारंटी दे दो, लिखित गारंटी वो चाहिए। किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए, लिखित गारंटी, कानूनी गारंटी चाहिए, वो सरकार देने को तैयार नहीं। बीच बीच में मीडिया का इंटरव्यू भी चलता रहता है और मैं भी टिप्पणी करना चाह रहा था प्रधानमंत्री के बयान पे, तो आपने सुनी लिया कि प्रधानमंत्री का बयान और आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। रोज सरकार ऐसे ऐसे किसान नेता ढूंढ रही है, उनके लेटर पैड छपवा देती है, उनको विजिटिंग कार्ड पकड़ा देती है, कहती है आप किसान नेता है, प्रधानमंत्री ने किसान ने कृषि मंत्री ने इस किसान नेता से बात की, उस किसान नेता से बात की, कितना ढोंग करेंगे, सारे देश को ढोंग और पाखंड पता लग गया है। और कम से कम यहाँ जो सब किसान है उन सबको ये बात पता लग गई है, सब इस संकल्प के साथ है कि हम यहाँ डटे रहेंगे। पीछे से जो हेलो हेलो की आवाज आ रही है, अब हमारे पास भी अच्छा साउंड सिस्टम हो गया है, माइक का भी अरेंजमेंट हो गया है, तंबू वंबू सेट हो गए हैं, सब तरफ से किसान और आए जा रहे हैं। आज कल तो गुजरात से आए थे, आज बाकी इलाकों से भी किसान आ रहे हैं और फोन आ रहे हैं, तो ये काफिला बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और ये ऐसा आंदोलन है जिसमें मैंने कहा जितना समय बीतेगा ये आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा, और यही किसी का सरकार को डर है। ये खबर, ये सब कुछ मैं आपको रोज दिखाता रहूंगा। एक राजेश जोशी जी की कविता, राजेश जोशी जी ने कविता का पाठ किया है प्रयाग शुक्ल, कल सुबह मैं आपको वो कविता भी पढ़ के सुनाऊंगा। आप देखते रहिए, किसानों का ये आंदोलन पहले से मजबूत होता जा रहा है, सरकार बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा वार्ता के बारे में, मैंने कल भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, बस अब एक वार्ता की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमरा बंद करके अपने आप से वार्ता करने की जरूरत और पूछने की जरूरत कि देश के 14 करोड़ किसानों का दुख सुख ज्यादा बड़ा है या कि तुम्हारा अहम और अहंकार ज्यादा बड़ा। कहीं तो उनकी अंतरात्मा बोलेगी ना भाई ऐसा मत,
अगर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी से वार्ता होगी, बाकी सब वार्ता तो 5-5 मिनट में हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए सद्बुद्धि आए सरकार को, सद्बुद्धि आए और ये जो सत्ता का अहंकार है ये इन्हें लेके ना डूबे। तो आज इसी सद्बुद्धि की कामना करते हुए बातचीत को पूरा करते हैं, कल सुबह आपको फिर रिपोर्ट।